वैसे प्याज काटते वक्त आंसू तो हम सभी को आते हैं लेकिन आज आंसू आने वाले हैं मच्छरों को जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना ये नुस्खा आपके घर के सारे छोटे से बड़े मच्छरों को मार देगा और तो और ये नुस्खा नजर के लिए भी काफी अच्छा है और नेगेटिव वाइब्स के लिए भी बस इसको बनाओ आपके घर की जितनी परेशानियाँ हैं वो कब निकल जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा उसके लिए आपको सिर्फ एक प्याज चाहिए ऑयल चाहिए और चाहिए कॉटन तो यहाँ पर प्याज को अच्छे से खोखला करना है अंदर तक लेकिन आपको ये लगेगा ये तो वेस्टेज हो रही है लेकिन ऐसा नहीं है हमें उसको फिर से फिल कर देना है ताकि उसकी खुशबू बरकरार रहे फिर एक लोई लेनी है कॉटन की अच्छे से उसको डिप करना है ऑयल के अंदर और फिर वो उसके अंदर हमें रख देनी है ठीक इसी तरह जैसे मैं रख रही हूँ फिर ऑयल को प्याज के अंदर आपको ऐसे ऐड करना है जब तक वो पूरी तरीके से फिल ना हो जाए तब तक आपको उसको ऐड करते जाना है बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ और फिर देख लेना आसपास कहीं पर भी ऑयल गिरा ना हो मैंने यहाँ पर ऑयल अंदर अच्छे से पोर कर दिया था अब बारी रही इसको लेट करने की इसको जलाने की तो मैंने माचिस की सहायता से इसको जलाया और जलाने के बाद एक अलग ही खुशबू आई अगर आप ये नुस्खा ट्राई करोगे तो आपको भी सेम ऐसी ही खुशबू आने वाली है जिसको सूंघ कर आपको अलग ही वाइब्स आने लगेंगी बहुत ही प्यारी सी अलग सी खुशबू है ये ये ऐसी खुशबू मैंने शायद ही कहीं सूंघी होगी लेकिन मजा आ गया बाय गॉड फिर जितने भी थोड़े प्याज बचे हुए थे नीचे मैंने उन सभी को दोबारा से उसके अंदर ऐड कर दिया क्योंकि वेस्ट मैं नहीं करना चाहती थी और थोड़ा सा ऑयल इसमें और ऐड कर दिया उसके बाद मैंने एक जादू की मंत्र पढ़ी और ले गई इसको बाहर वैसे तो मैंने थोड़ा सा इसको जलने दिया क्योंकि मैं चाहती थी थोड़ा जलने के बाद और फ्रेग्रेंस आने के बाद ही मैं इसको बाहर रखूँ और मैं अपने घर में नींबू ढूंढ रही थी अगर नींबू भी हो आपके पास ऑप्शनल है नींबू को रखना अगर हो तो साथ में इसके नींबू भी रख देना वो भी अच्छा काम करता है फिर आपको अपनी दरवाजे की चौखट पर इसको लेके जाना है जिस तरह मैं लेकर जा रही हूँ ये है हमारा मेन डोर और यहाँ पर आपको किसी भी एक ऐसी जगह इसको रखना है जहाँ पर या तो कोई लोग आ रहे हैं वो देख रहे हैं बिल्कुल डायरेक्ट या फिर मच्छर देखने क्योंकि इन दोनों के अलावा तो घर पर कोई आता नहीं है ना तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस काफ़ी कम था इसलिए मैं रख नहीं पा रही थी लेकिन मैंने खूब ट्राई किया ये नुस्खा मैं पहली बार नहीं अपना रही हूँ जैसे मैंने पहले भी ये नुस्खा अपनाया था तो मैंने साइड में टेबल रख के ये नुस्खा किया था लेकिन अभी रात नहीं थी जब मैंने ये नुस्खा किया था उस टाइम रात थी तो मैंने ईजिली रख दिया था दिन हो रही थी वैसे मैं आपको बताऊँगी ये नुस्खा हमेशा रात में ही करना लेकिन मैंने शूट दिन में किया मेरी मंदिर की तरफ मैंने ये रख दिया था क्योंकि एंट्रेंस में सबकी नजर यहाँ पर जरूर जाएगी राइट right साइड में इसीलिए मैंने यहाँ पर ये रख दिया था मेन बस ये है कि लोगों की नजर जानी चाहिए इस दीपक पर तभी आपकी घर की नजर बलाएं सारी टलेंगी बाकी ये मच्छरों के लिए भी काफी अच्छा नुस्खा है अगर आपके घर में बहुत सारे मच्छर आ गए और आपके डोर्स ओपन रहने तो भी आप इसको रख सकते हो और तो और आप इसको किचन में भी रख सकते हो क्योंकि किचन में पॉजिटिव वाइब्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूरे दिन का खाना हमारा यही बनता है आई होप आप भी ये नुस्खा ट्राई करो और मुझे कॉमेंट्स में फिर बताना कैसा रहा ये उसका हफ्ते में दो दिन तो इसको ट्राई जरूर करना आपको मजा आ जाएगा ठीक मेरी तरह मिलते हैं शाम छह बजे एक नई वीडियो के साथ ये कैसे लगी कॉमेंट से बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना बाय बाय लव यू ऑल